अरे आप माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं नहीं, देर की कौन सी बात है, ये लुफ करती हैं आप ही। अच्छा आइए प्लीज बैठिए। आइए। नहीं साहब मुझे जाना है, घर पे बहुत जरूरी काम है। आप तब तक मजे से खाना खाएं और बर्तन ये रख दीजिएगा, मैं जब सुबह नाश्ता देने के लिए आऊंगी तो उठा लूंगी। नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये भी आपने बस ऐसे ही तकल्लुफ किया, जहमत होगी आपको, अच्छा थोड़ी लगता है। जहमत कैसी, पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं और हजरत भी। नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये भी आपने बस ऐसे ही तकल्लुफ किया, जहमत होगी आपको, अच्छा थोड़ी लगता है। जहमत कैसी, पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं और हजरत भी। हजरत बीबी मेरी सबसे बड़ी बहन है। सब उन्हें हजरत बीबी कहते हैं। उन्होंने ही कहा है कि जब तक आपके घर वाले नहीं आ जाते खाना हमारे घर से आएगा। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतने सारे खाने का मैं करूँगा क्या? हाँ मुझे तो लगा कि ये भी कम पड़ जाएगा साहब। नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं इसे खत्म करूंगा, इतना ज्यादा मैं नहीं खा सकता। दिलनवाज के हाथ से पका खाना काफी नहीं होता साहब। पॉइंट तो दिलनवाज है आपका नाम? वो क्या आप मुझे बुलाती हैं साहिब? हाँ क्यों? अच्छा लगता है मुझे। आपको नहीं अच्छा लगा? नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगता है। आपकी मर्जी, आप इतना सारा खाना लेके आते हैं, जो मर्जी बुलाइए। अच्छा साहिब सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे आप? दिलवाज जी आप जो पेश कर देंगे हम तो खा लेंगे, दरवेश लोग हैं। पहली बार आपके मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगा साहिब। आपने याद किया हजरत बीबी? दिलनवाज खेल को लंबा मत करो, जल्द नतीजा ले आओ। लड़के की माँ तो सर का दर्द बन चुकी है। ठीक है हजरत बीबी, कल नाश्ते से उस पर असर होना शुरू हो जाएगा। खाना वक्त पे मिलना चाहिए, ख्याल भी रखो। 4-5 दिन में उसकी माँ वहां शिफ्ट होने का इंतजार करेगी, देख लिया मैंने। वो औरत अपने बच्चे से ज्यादा अरसे दूर नहीं रह सकती। तुम्हें पता ना क्या करना है? आप बेफिक्र हो जाएं हजरत बीबी, फवाद के जहन से उस लड़की का ख्याल निकालने का वक्त आ गया है। कल से वो दिलनवाज के जेर असर होगा, उसके दिल और दिमाग पर यही नाम होगा।